जी, मेरा नाम सरिता नारंग है। हाल गेट के बाहर मेरी अपनी दुकान है। मैं भी एक पंजाब की धी हाँ, मैं अपना रुजगार चलानी हाँ, लेकिन रोज़ कह देंगे ने कि सवेरे दुकाना खुली है, 5 बजे या 6 बजे बंद कर दो। ठीक है, आप कौन सा काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? अखबारों का काम है। तो अखबारों वालों पे संकट, सबसे बड़ी बात है ये न्यूज़पेपर वितरक हैं तो अखबार वालों को भी समय नहीं दिया जाता क्योंकि रोज अखबार छपती नहीं। अगर रोज अखबार छपती है तो बंद क्यों? सबसे बड़ा सवाल, अगर रोज अखबार आती है तो फिर बंद क्यों? या अखबारें भी बंद हो जाए, या फिर अखबारें भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अखबार तो चलती है। शाम को 5 बजे बंद करवा देते हैं और दूसरे दिन फिर आगे कह देते हैं अखबार, एक आज की अखबार अगले दिन कौन पढ़ेगा? तो ये दर्द है। और ये पंजाब की बेटी है, सबसे बड़ी बात है कि अखबारें अगर 7 दिन छपती हैं तो समाज, ये जो न्यूज़पेपर वितरक हैं इनको आज़ादी केवल 5 दिन की हो, तो ये बड़ा सवाल है। तो इसी के साथ हम और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हालगी जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त अवर शुक्ला। अमृतसर के दिल की धड़कन यानी कि हाल गेट की ये घड़ी है, वो घड़ी कब आएगी जब ये घड़ी ठीक होगी? अंग्रेजों के ज़माने की लगी घड़ी, वो घड़ी कब आएगी जब ये घड़ी ठीक होगी? लेकिन इस घड़ी हम आपको बताते हैं हाल गेट की सबसे बड़ी खबर। ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ के दुकानदार हैं और इनकी मांग है, और इन्होंने सीधा सीधा कैप्टन सरकार से इंसाफ मांगा। वो इंसाफ क्या मांगा ये भी हम आपको बताएंगे और हम लोगों से बात भी कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, 2022 को आने वाला है चुनाव, और चुनाव की हार जीत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है पंजाब के युवा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर युवा हैं, और ऐसे युवा जो बेरोजगारी के हालत में हैं, और यहाँ पर आज बारिश हो रही है, बारिश के बीच में ये मांग रहे हैं जस्टिस, और पुलिस कह रही है मारेंगे डंडे। तो ये बड़ी खबर है, तो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस कह रही है मारेंगे डंडे, ये मांग रहे हैं इंसाफ। इंसाफ की क्या बात बताइए जी। हमारा यही इंसाफ है कि जो हम कैप्टन सरकार की सारी हिदायतों के साथ एग्री हैं, बट हम इस बात से एग्री नहीं है कि जो हफ्ते में हमें 5 दिन दिए गए हैं वो भी ABC के हिसाब से खोला जाए। अच्छा, एक बार बताइए, हॉस्पिटल है या ये ठेके हैं? दो चीज़ें हैं। हॉस्पिटल तो खुलना चाहिए, ठेके में जब हम शराब लेने जाते हैं या कोई भी जाता है तो सैनिटाइज़र कराते हैं, मास्क लगाते हैं, वहाँ भी तो ग्राहक जाते हैं ना, तो वजह क्या है कि ठेके खुले और दुकानें बंद? देखो, सरकारी काम तो सभी खुले हैं, जहाँ से सरकार को इनकम आ रही है, जहाँ से हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे दुकानदारों से इनको क्या कहते हैं कोरोना आ रहा है। कोई बड़े कामों से इनको कोरोना नहीं आ रहा। आज मैरिज पैलेस देख लो, वहाँ पे 500 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ से कोरोना नहीं आएगा। दुकान पे 2 कस्टमर आ जाएंगे, वहाँ से कोरोना हो जाएगा। ये सरकार ये चाहती है, ये इतना ही सरकार चाहती है, तो हमारी दुकानों की चाबियाँ लेके अपने पास रख ले, हमें बताए क्या करना है, हमें डाल दे हमारे खाते में पैसे। आपका गुस्सा जायज है, और सबसे बड़ी बात हाल गेट है और पूरे शहर की धड़कन है ये, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। और सैगल साहब ये बताइए, पुलिस कहती है मारेंगे डंडे, अब मांग रहे हो इंसाफ? हम इंसाफ इसीलिए मांग रहे हैं कि जो पहले तो काम धंधा वैसे नहीं है कोरोना की वजह से, और हमने यहाँ पर सारे दुकानदार इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया है, उसकी वजह से पंजाब पुलिस हमको धमकी दे रही है कि फोर्स मंगाओ और डंडे मारने चालू कर देंगे इनको। हम तो डंडे मारने चालू कर देंगे तो हम पुलिस का भी करेंगे, लेंगे बयान, लेकिन हम युवाओं से पूछेंगे। आप युवा हैं और सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, बहुत ही बुरा हाल होया पाया इतने, 5 दिन दुकाना लगातार खुलनिया चाहिए, जड़ा है सो ऐतवार वो छुट्टी चलो मान लेंगे छुट्टी है, जी शनिवार की छुट्टी वो भी ओपन करन, तो जो कि साढ़ा घर का खर्चा भी चल सके, सैलरी वगैरह भी सबसे सही मिले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हर दुकानदार है, और हर दुकानदार के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4-5 से या 3 से स्टार्टिंग तो होती होगी, 2-3 उनके पास सर्वेंट तो होंगे या 20-25 होंगे, अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग शोरूम हैं। तो हम बात करेंगे सर, जब आप ही नहीं कमाएंगे तो आपका जो अधीन परिवार है, आपके जो सर्वेंट हैं जो आपके पास काम करते हैं, वो भी तो भूखे मरेंगे। सवाल तो यही है जी, आपके माध्यम से मैसेज तो हमने यही देना चाहा है कि हम सरकार के बंद के साथ सहमत हैं, कोरोना महामारी है सहमत है, कोरोना से जाने जाएंगी ये भी बात ठीक है, लेकिन उनका क्या करें जिनको हम तनख्वाही नहीं दे सकते, वो भूख से मरेंगे, उनके लिए क्या है वो कहा जाए? शराब के ठेके सरकार ने खोल दिए, ठीक है जी, वहाँ 10 बंदे बैठ के इकट्ठे शराब पी रहे हैं, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, ठीक है जी, बस में 52 बंदे बैठे हैं वो भी ठीक है जी, बस अड्डे पे गए हैं वो भी ठीक है जी, रेलवे स्टेशन पे है वो भी ठीक है जी, ये कहाँ जाए जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनको तनख्वाही नहीं मिल रही, नौकरी चली गई, क्या इनके लिए भी कुछ सोचा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह, ये बताइए कि कोरोना के संकट काल में जिस तरह आर्थिक हालातों में सभी दुकानदारों को चलना पड़ रहा है, और एक साथ आज बारिश भी होने लगी, और बारिश के बीच में आपने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया, इंसाफ मांगा, तो आपको लगता है कि कैप्टन सरकार देगी आपको इंसाफ? उम्मीद तो यही है जी, इसी उम्मीद के सारे इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ अगर आप कैप्टन साहब तक पहुँचाएंगे तो वो इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे,
यहाँ कहा जाता है अधिकारियों से मिले, किससे मिले, ऑफिस फ़ोन करते हैं, डीसी साहब नहीं है, डीसी भी साहब नहीं है, किसको जाके मिले, यहाँ आते हैं वो कहते हैं आपको मार पड़ेगी। अब भाई जब मरना ही है तो भूख से मर गए, कोरोना से मर गए या पुलिस के डंडों से मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है, मार नहीं है, अगर मार नहीं है तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम। चलिए डंडे मार लें, पुलिस मार लें, लेकिन हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मिले या ना मिले। 2022 में कोरोना के काल में ये जो आप लोगों के साथ इंसाफ मांगने की नौबत आ गई, तो लगता है कि आपका जो यूथ है वो भड़केगा, क्योंकि चुनाव है 2022 में। चुनाव तो बाद में है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लोगों की कमर टूट चुकी है, ईएमआई देने के पैसे नहीं है, किराए के पैसे देने के लिए नहीं है, वो कहाँ से लेके आएंगे लोग। डिफ़िकल्ट टाइम है, सरकार को समझना चाहिए कि शॉप्स को खोलना चाहिए, सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन रखें, 5 दिन खोलने दें, नहीं तो सभी के सभी बैंकरप्ट हो जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं, ना उनके पास पैसे हैं अपने बच्चों की फीस देने के लिए, ना उनके पास पैसे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, सारी इकॉनमी भी शटर करेंगे। अच्छा, चलिए एक बड़ा सवाल है कि जब पैसा घर में ना हो और भूख से बच्चे या भाई बेहाल हों, तो ऐसे में बंदा क्रिमिनल टाइप क्राइम बढ़ेगा क्या? बिल्कुल, जब ले ऑफ कर दोगे आप इंसान को, जब दुकानदारों के पास पैसा ही नहीं होगा, जो ले ऑफ हो जाएगा, जिसको दुकान से निकाल दिया जाएगा, वो उसको जो दुकानदार को हाथ जोड़ के बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो गलत रास्ते पे तो बताएगा क्या, गलत रास्ते पे जाएगा तो। लेकिन कैप्टन सरकार सही रास्ते पे आए, और सबसे बड़ी बात है दुकानदार को इंसाफ दें। हमारा क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आज आप बारिश हो रही है, बिजली का बिल जेब में डाला है, तो बिजली का बिल तो माफ़ हुआ या नहीं हुआ ये तो आप जाने, जनता जाने, लेकिन आप जो आज मांग लेकर बैठे हैं, तो पुलिस तो कहती है डंडे मारेंगे, और आप मांग रहे हैं इंसाफ। हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई है, हमारे घर में बुजुर्ग है, हमारे माता पिता, उनकी दवाइयाँ हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, हमारे बच्चे हैं, उनकी फीसें कैसे, स्कूल तो फीस माफ़ नहीं कर रहा, 3-3 मुलाजिम है, उनको कहाँ से खिलाएं। जब आदमी भूखा हो जाता है तभी सड़क पर आता है, वैसे नहीं आता। एक सवाल मैं आपसे लाइव भारत की तरफ से करता हूँ, ठेके खुले और दुकानें बंद, बजा तो ठेके पे जो शराब लेने आता है तो परमिट बनता है क्या यहाँ पे? कैसे वो कहेगा मैं शराब लेने जा रहा हूँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, पुलिस नहीं बोलेगी? ये सरकार को चाहिए, बड़े जो अफसर है उनको चाहिए, देखना चाहिए कि उनका जो रेवेन्यू है वो आ रहा है, हम लोगों का वो घर पे बैठा के बंद कर। चलिए हम आपके युवा टोली से सभी से एक सवाल करते हैं, और हाथ उठा के आप बताइएगा, ये गुरु रामदास जी की, श्री गुरु रामदास की बसाई नगरी है श्री अमृतसर साहिब, तो हम ठेके चाहे वो देसी हो या अंग्रेजी, तो जैसे पहले मांग उठी थी कि अमृतसर पवित्र शहर घोषित किया जाए, यहाँ से ठेके अमृतसर शहर के, अमृतसर शहर हो और मैं समझता हूँ जिले हो, अमृतसर जिले में शराबबंदी हो, कितने लोग सहमत है, हाथ उठा के बात करें। तो लाइव भारत की ये पोल है, और सबसे बड़ी बात अमृतसर, इन युवाओं के उठे हुए हाथ इस बात को दर्शाते हैं कि अमृतसर पवित्र शहर घोषित किया जाए और यहाँ पर शराब के कोई भी ठेके ना हो अमृतसर जिले में, और अमृतसर पवित्र नगरी घोषित किया जाए, ये मांग लाइव भारत मांग रहा है। चलिए हम पुलिस वालों से पूछते हैं, सीधे लाइव बातें करते हैं, उन्होंने लाठी मारने का, डंडा मारने का, बरसाने का कुछ कहा है क्या, क्या आरोप गलत हैं, क्योंकि रोष प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, कोरोना के चलते काल में इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन क्या रोष प्रदर्शन ये कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा डंडे मारेंगे। सीनियर अफसर वो गल कर रहे हैं, सीनियर अफसर से बात करते हैं, अरुण कुमार जी हैं सर, डंडे मारने वाली कोई बात हुई है? कहाँ, ये लोग कह रहे हैं कि हम अगर आप प्रदर्शन करोगे तो डंडे मारेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई, ये इसको बोला भी साइड पर होके जो अपना में प्रदर्शन करना है वो साइड पर होके करो, रास्ता ना हो पब्लिक में। जब हाल के दिल की धड़कन के आप यहाँ के सारी जिम्मेवारी संभालते हैं, ऐसा कोई काम होता है, कोई प्रदर्शन करता है, तो आप अपने कमिश्नर साहब या जो आला अधिकारियों को बता ही देते होंगे? बता देते हैं। ये वाली बात बता दी हमने, बोला है कि कुछ आदमी दुकानदार आए हैं यहाँ, इकट्ठे होकर आए हैं, वो जो बोला 50% दुकानें खोलनी है, ये बोल रहे हैं कि हमें सभी सारी दुकानें खोलनी है, ये कह रहे हैं कि हम 5 दिन खोलेंगे, ये कैप्टन सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कोई आपसे नहीं, क्योंकि ये जो आदेश है कैप्टन सरकार का है, कैप्टन सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आप तो एक जरिया माध्यम है, मान जो पंजाब गवर्नमेंट के हुक्मों की पालना करना, तो सीधा के अरुण कुमार जी ने कहा कि हम गवर्नमेंट की हुकूमों का पालन करते हैं, फिलहाल इनकी मांग है, और आप देख सकते हैं हम फिर आपको बताते हैं, हाल गेट है सामने, शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा लगी है, तो शहीद ऊधम सिंह के ये शहर से गहरा नाता रहा है, और मैं आपको बताऊं मोहम्मद रफ़ी का नाता यहाँ से है, राजेश खन्ना का नाता यहाँ पे, जितेंद्र का नाता यहाँ से है, और कपूर खानदान और खन्ना खानदान यहाँ की बदौलत है, लेकिन आज ये सारा जो
हाल गेट की जो दिल की धड़कन है, और ये धड़कन के जो राजकुमार हैं यानी कि दुकानदार हैं आज इस दशा पे हैं कि रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने की लाइव भारत पर लाइव रिपोर्टिंग, अगर आपको लगता है इनका प्रदर्शन ठीक है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ हमें विदा लेता हूँ, मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।